रोहित ब्रिगेड और फिर राशिद खान की ब्रिगेड, ये दोनों ब्रिगेड जब आमने सामने होंगी तो चाहे बल्लेबाजी पहले मिले या फिर बॉलिंग पहले मिले, पूरी तरह से 100% परफॉर्म करना होगा और जो टीम है वो अपने फेवर में मैच को आगे ले जाए, यही उम्मीदें बार बार टीम इंडिया के फैंस कर रहे हैं। बड़ी बेसब्री से रात 8 बजे होने वाले इस मुकाबले की तैयारी हो रही है और ऐसे में टीम इंडिया के फैंस का जोश तो हाई है लेकिन टीम इंडिया की भी अपनी तैयारी है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम पिच की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की पिच बिल्कुल अलग थी, यहाँ की पिच बिल्कुल अलग है, ऐसे में टीम इंडिया स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर उतरेगी भी। मौसम, आप कह रहे हैं कि मौसम बारिश होने जैसी कोई संभावना ऐसी नज़र नहीं आ रही है, अगर वहाँ अफगानिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं तो इंडिया के पास उससे कंपैरिजन में अभी की स्थिति में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं मनोज जी अफगानिस्तान के कंपैरिजन में, हालांकि अफगानिस्तान की टीम ठीक फॉर्म में है, आप कह रहे हैं पिछले कुछ साल में बहुत कुछ बदला है। जी हाँ बिल्कुल, अगर अफगानिस्तान की गेंदबाजी देखें तो राशिद खान जो कि ऑलराउंड उनमें खूबियां हैं और निचले क्रम में बहुत अच्छे रन भी बटोर सकते हैं, उनकी लेग स्पिन बॉल जो कहने के लिए लेग स्पिनर हैं वो ज़्यादातर गुगली पर फोकस रखते हैं, कुछ कुछ एक्सपोज भी हो गए हैं, भारतीय खिलाड़ी उनको काफ़ी कुछ पढ़ने में कामयाब भी रहे हैं, लेकिन एक उनकी टीम में एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन भी है नूर अहमद और वो एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, और इसके अलावा एक ऑफ स्पिनर है इनके पास जो मैं समझता हूँ कि उसको भी भारत को मेरे ख्याल से ज़्यादा मुजीब को खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात भारत की तो भारत के गेंदबाजी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, मध्य क्रम जो है मैं समझता हूँ भारत का बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ी निर्भरता होगी भारतीय टीम की कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, हम शुरू में कह रहे थे कि ये शायद कवर के तौर पर अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे भी एक कवर के तौर पर हार्दिक पांड्या के टीम में रखे गए हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने और रोहित शर्मा ने इन पर भरोसा दिखाया है तो इनको इन चारों पर वो टीम को भरोसा लेकर चल रहे हैं। साथ में आप 1983 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, आप 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, हम जो जीते हैं चैंपियन बने हैं, ऑलराउंडर्स की बदौलत हम चैंपियन बने हैं, इसीलिए आप देखेंगे लीग में हमने कुलदीप यादव को बाहर बिठाया, अक्षर पटेल को खिलाया और हम ऑलराउंड अपने जो खेल है उस पर ज़्यादा निर्भर हैं, तो मुझे लगता है बदलाव वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। 8वें नंबर पर भारत के पास बल्लेबाजी है, अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो मध्यक्रम इतना मुकम्मल है जो संभाल सकता है टीम को और बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, जो संभावित टीम 11 है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, जल्दी से मैं वो नाम पढ़ देती हूँ जो अफगानिस्तान की टीम में संभावित प्लेइंग 11 की टीम होने वाली है। इसमें रहमानुल्लाह रहेंगे गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि विकेट कीपर के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं, इब्राहिम जादरान रहेंगे, गुलबदीन नईब रहेंगे, अजमतुल्ला उमर जई रहेंगे, मोहम्मद नबी रहेंगे, नजीबुल्लाह जादरान रहेंगे, करीम जनत रहेंगे, राशिद खान जो कि प्लेयर भी हैं और कप्तान भी हैं, नूर अहमद रहेंगे, नवीन उल हक और फजल हक फारूकी जिनका जिक्र हमने सबसे पहले किया, और इनसे ही थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत टीम इंडिया को है। लेकिन टीम इंडिया में एक के बाद एक कई मजबूत प्लेयर्स हैं और मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे नाम आ जाएंगे ऐसे जिनसे सावधान रहने की जरूरत होगी। मैं जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ, फिर मनोज जी कहेंगे बताएंगे और साथ ही साथ शशि काला जी भी बताएंगे कि टीम इंडिया में कौन सा वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिससे ओवरऑल अफगानिस्तान की टीम को बचना चाहिए। यहाँ पर जो संभावित प्लेइंग 11 की टीम है, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन टीम को आगे बढ़ाएंगे, विराट कोहली का बल्ला चलेगा या नहीं ये सवाल है, ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर भूमिका निभाएंगे, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ये एक चेंजेस हो सकते हैं जो अभी मनोज जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि कुलदीप यादव इस बार शामिल किए जा सकते हैं, जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज भी हो सकते हैं, ये संभावित प्लेइंग 11 है, हो सकता है इसमें कुछ और तब्दीली हो जाए। शशि काला जी, टीम इंडिया में तो एक से एक मजबूत खिलाड़ी हैं, फिर अफगानिस्तान को कौन से प्लेयर पर नजरें गड़ाकर रहना चाहिए और थोड़ा बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए? भारतीय टीम वैसे तो बैटिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 8वें नंबर तक बैटिंग है, लेकिन जिन विशेष में कौन अच्छा करता है जिस पर इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी जो ज्यादा बैटिंग निर्भर करती है विराट कोहली और रोहित शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है, और सबसे बड़ी बात है हमारे जो मुंबई से खेलते हैं मिस्टर यादव जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा किया है, उनके ऊपर भी 2020 के तो वो वाकई बादशाह हैं, उनका दिन होता है तो वो अकेले मैच को निकालने का वादा रखते हैं, और पंत तो है ही हमारा छोटा इतना, हालांकि उनकी बैटिंग स्टाइल अपने आप में अलग है, वीरू की तरह अलग है, लेकिन रन बोर्ड पर टांगने जरूरी होते हैं
आप कैसा भी खेलें लेकिन बोर्ड पे रंग टंगे होने चाहिए और रंग टांगने में वो माहिर है पंत। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि रिंकू सिंह को अगर बीच में रखा जाए, शिवम दुबे बेशक ऑलराउंडर हैं लेकिन उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं बॉलिंग में, क्योंकि जैसे इस उपमहाद्वीप की विकेट्स है वो जो वेस्टइंडीज की विकेटें हैं, जो वहाँ का वातावरण है, उस हिसाब से हमें बीच में बैटिंग की जरूरत पड़ सकती है। और रिंकू सिंह ने आईपीएल में बहुत अच्छा करके दिखाया है, और रिंकू सिंह अगर उसमें फिट बैठते हैं, चयन करता हूं कि या कोशिश की उसमें, तो मैं तो मेरी प्रेफरेंस है कि शशिकला जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि अभी रिंकू सिंह जो है स्टैंडबाइज में है, अभी उनकी टीम में जगह नहीं बन सकती क्योंकि आपको किसी ना किसी खिलाड़ी को चोटिल साबित करना होगा, उसके बाद ही वो टीम में आ सकते हैं। फिलहाल वो 15 की टीम में फिलहाल इनको शामिल नहीं किया गया है जी। अच्छा, और आज के जो प्लेयर है जिन पर निगाहें रहेंगी अफगानिस्तान की, वो भी बता दीजिए मनोज जी। देखिए, हम जैसा कि दो गेंदबाजों का मैंने नाम लिया, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, इनसे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी अफगानिस्तान को। और अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो फिर तो बहुत हमारे तरकश में कई तीर हो जाएंगे। और रही बात बल्लेबाजी की, जैसा मैं शशि जी से बिल्कुल सहमत हूँ, सूर्य कुमार यादव वो एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं क्योंकि अब उन्होंने हर बॉल पर मारने की बजाय वो अब टिक्कर भी खेलते हैं। बीच में शिवम दुबे के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी जिसने भारत को जिताया मैच, मैं समझता हूँ कि सूर्य कुमार यादव और विराट और रोहित में से अगर कोई एक भी चल गया तो फिर भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता इस मैच में। भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता और ये जो जीत का सिलसिला है ये आगे बढ़ता रहना चाहिए। मनोज जी, शशिकला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आज के मैच पर निगाहें हैं, रात 8 बजे से मुकाबला होगा और टीम इंडिया के सभी फैंस यही चाहते हैं कि जो जीत का रथ है ये ऐसे ही अजय बढ़ता रहे, ये जो जीत का सिलसिला है कहीं रुके नहीं। सुपर 8 में ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं।